ह्यूमंस के पास रीजनरेशन एबिलिटीज है, स्पेशल पावर्स है, ऑलमोस्ट इमोर्टैलिटी है, एंड इवन माइकल जैक्सन भी। लेकिन डीमन स्लेयर्स के पास क्या है? आई गेस वो एक दूसरी तरीके से सांसें लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अदर देन द ह्यूमन बेसिक फंक्शंस, इनके पास ये ब्लैक सॉर्ड है। ये सॉर्ड एक्चुअली डीमन स्लेयर के पूरे तकदीर को चेंज कर सकता है, क्योंकि बिना ये ब्लैक सॉर्ड के ये वर्थलेस है, और कई बार तो इवन डीमंस भी इन्हें तंग नहीं करते, क्योंकि अगर तुमने इन सॉर्ड को कुछ होने दिया देन तुम्हें ये लेटर मिलता है उन स्वॉर्ड्समैन से जिन्होंने इस ब्लेड को बनाया था। ड्यू टू दिस तांजिरो अपने ब्लेड का हमेशा बहुत ही अच्छी तरीके से पहली गलती तो हर किसी से होती है, आई डोंट थिंक कि वो दूसरी बार। All right, it's time कि हम बात करें कि जब तांजिरो को उसका ये अल्टीमेट ब्लेड मिला था, इस ब्लेड को पाने के लिए तांजिरो ने एक्चुअली वेस्ट की तरफ ट्रैवल किया, नहीं ईस्ट की तरफ या फिर साउथ, एक्चुअली हमें पता नहीं है। वेल टू बी ऑनेस्ट, एक्चुअली किसी को नहीं पता कि ये स्वॉर्डस्मिथ विलेज आखिर है कहाँ पे। ये एक मिस्टीरियस विलेज है जहाँ पे डीमन स्लेयर के स्वॉर्डस्मिथ उनके ब्लेड्स बनाते हैं। लेकिन इस विलेज का सीक्रेट ये है कि इस विलेज के अंदर द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर ब्लेड है, द ओनली ब्लेड जिसने उस इमॉर्टल बींग को जख्म दिया है, किबुत्सुजी मोजान। हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर योरुइची के खुद के ही क्रिम्सन ब्लेड के बारे में। As I said, कि विलेज का लोकेशन एक्चुअली हिडन रखा गया है ताकि वो इस विलेज को और स्वॉर्डस्मिथ को बचा के रखे, क्योंकि यहाँ पे सबसे क्रूशियल एलिमेंट रखा गया है जो कि मोजान के अगेंस्ट फाइट में यूज होगी। The only way कि तुम इस विलेज में पहुंच सकते हो वो यही हो सकता है कि ये कुसेगाई क्रो तुम्हें लीड करे। On top of that, उस डीमन स्लेयर को अपने आंखों में और नाक में पट्टी बांधनी पड़ेगी जब वो इस विलेज में ट्रैवल कर रहा होगा। Nevertheless, इस गांव की तरह ही इसमें रहने वाले भी अपने आइडेंटिटी को लेकर काफी सीक्रेट है। That's the reason कि ये स्वॉर्डस्मिथ ये क्रीपी मास्क भी पहनते हैं। ये शोटो को मास्क उनको एक फिजिकल अपीयरेंस से ट्रैक होने से बचाती है। हमें ये नहीं पता कि इस लेजेंडरी विलेज का ओरिजिन कब हुआ था, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अभी के स्टोरी से इस विलेज का ओरिजिन 300 साल पहले हुआ था। हर एक नेचुरल ब्लेड यहीं पे बनता है, देयरफॉर उस मटेरियल का यूज करते हुए जो कि माउंटेन के पीक में मिलता है, देयरफॉर उस अकेली उस डायरेक्ट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए जो कि डीमन को मार सकता है, द सन। Now, ये चीज हमें लेके आती है तांजिरो में जो कि स्वॉर्डस्मिथ विलेज विजिट करता है, जहाँ पे चीजें स्पाइसी होने वाली है। ये नहीं, तांजिरो यहाँ पे एक नहीं बल्कि दो हाशिरा से मिलता है, मोइचिरो जो कि मिस्ट हाशिरा है, और मित्सुरी द लव हाशिरा, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है फॉर टू बिग रीजंस। Not just because कि वो तांजिरो को काफी वेलकम करती है, but also वो तांजिरो को उस सीक्रेट वेपन के बारे में बताती है जो कि तांजिरो को और भी स्ट्रॉन्गर बना सकता है। और सिंस तांजिरो एक शोनन प्रोटैगनिस्ट है, वो हमेशा ऐसे वेज को ढूंढता रहता है कि वो स्ट्रॉन्गर बने, देयरफॉर वो इस मिस्टिकल वेपन के सर्च में निकल जाता है। लेकिन आखिर में उसकी मुलाकात मोइचिरो से होती है। हमें दिखाया जाता है कि मोइचिरो कुतेत्सु से आर्ग्यू कर रहा है ताकि वो इस डॉल का एक्चुअली की ले सके जिसका नाम है योरुइची टाइप जीरो। ये एक मैकेनिकल बैटल डॉल है जो कि सेनगोकू के एरा में बनी थी, लेकिन इस डॉल में ये खास बात थी कि ये एक रियल लाइफ पर्सन के ऊपर बनी थी जो कि नन अदर देन था द क्रिएटर ऑफ सन ब्रीदिंग स्टाइल और द ग्रेटेस्ट डीमन स्लेयर ऑफ हिज टाइम, योरुइची त्सुकिगेमी। यस, योरुइची के अपीयरेंस को सिंबल देते हुए टाइप जीरो योरुइची के ऑनर के लिए बनाया गया था बाय कोटेत्सु'स एंसेस्टर्स। इस डॉल के पास 6 हाथ है क्योंकि 2 हाथ योरुइची के रियल मूवमेंट्स को अच्छी तरीके से दिखा भी नहीं पा रही थी। विद दिस इस डॉल के पास 108 अटैक मूवमेंट्स है। नेवर्थलेस उसका ये 6 हाथ और टोर्सो के साथ उसका जॉइंट का कनेक्शन ये एक्चुअली रेफरेंस है ऑफ अशुरा, एक सुपरनेचुरल डीएटी जो कि बुद्धिज्म में है। नेवर्थलेस ये कटाना अगेन एक रेफरेंस है टुवर्ड्स बुद्धिज्म, जो कि इन बुद्धिज्म अशुरा देवास के अगेंस्ट यूज करते थे। इनफैक्ट डॉल एक सिस्टम में फिट था जिसका नाम था योसेकी साइको पजल। ये डिजाइन उस स्वॉर्डस्मिथ को टेक्निकली उसके लेवल सिलेक्ट करने में मदद करता, लेकिन हाउएवर जब कितेत्सु ने चाबी देने से मना कर दिया देन मोइचिरो ने उसे एक चम्माटा मारा। इस चीज ने तांजिरो का दिमाग बिल्कुल खराब कर दिया, लेकिन बट
वो भी एक्चुअली नॉक्ड आउट हो गया। सो आखिर इस पूरे केस के पीछे का राज क्या है? फिल्तान जीरो जब फाइनली होश में आता है, देन उसे पता चलता है कि ये डॉल वही हथियार है जो कि मित्सुरी कह रही थी। इस डॉल के पास इतनी बैटल एबिलिटी है कि ये हमेशा अपने ओपोनेंट को हमेशा कॉर्नर में धकेल देती है, देयरफॉर अपने आप को फोर्स करते हुए और स्ट्रॉन्गर बनते हुए। लेकिन कई सेंचुरीज के यूज के चलते ये डॉल थोड़ी सी खराब हो गई है, देयरफॉर इसे अपने प्राइम टाइम से काफी वीक बनाते हुए। दैट्स द रीजन की ड्यूरिंग द ट्रेनिंग मोइचिरो ने इस डॉल के हाथों को तोड़ दिया था। हाउएवर लेकिन वो लड़का कितेत्सु उसे इस मशीन के मैकेनिज्म के बारे में पता था, देयरफॉर उसने इस चीज को स्टेट किया कि डॉल तभी इफेक्टिव हो सकती है जब ओनर उसमें इनपुट डाले। देयरफॉर कितेत्सु का इसको मोइचिरो के सामने रिवील ना करना, इट मींस कि मोइचिरो ने अपनी ट्रेनिंग जस्ट एक अनऑप्टिमाइज्ड रोबोट के साथ बिताई थी, देयरफॉर इसे ये नाम देते हुए अ डिवाइन वेपन। ये काइंड ऑफ फिटिंग नेम है क्योंकि इट वाज स्टेटेड कि योरुइची खुद ही ऊपर से ब्लेस्ड था। लेकिन इवन दो ये डॉल इतना पुराना हो चुका था, लेकिन इसको आज तक कभी भी किसी ने डैमेज नहीं किया था। नेवर्थलेस ये एक ऐसी टेक्निक से बना था जिसको कोई इवन रेप्लिकेट भी नहीं कर सकता। दिस मेंट कि एक बार जब ये डॉल टूट जाती कोई भी इसे फिक्स नहीं कर पाता। However, कोइत्सु ने लेकिन उस माइनर डैमेज को फिक्स कर दिया जो कि मोइचिरो ने उसे दिया था, एंड देन तांजिरो इसके साथ ट्रेन होने लगा। इवन दो इसके पास एक कम हाथ था, लेकिन स्टिल तांजिरो को ऐसा लग रहा था कि इससे कम्पीट करना इम्पॉसिबल है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि तांजिरो मोइचिरो को सरपास करे, उसने डॉल को कुछ ऐसे ही डिजाइन किया। Although कितेत्सु एनालिसिस करने में काफी अच्छा था, लेकिन स्टिल वो एक काफी अच्छा टीचर बिल्कुल नहीं था। उसके ट्रेनिंग के तरीके तांजिरो को टॉर्चर लग रहे थे। अगर तांजिरो ट्रेनिंग करने से मना करता देन कितेत्सु उसे ना ही खाना देता और ना ही पीने के लिए पानी। ये चीज टेक्निकली तांजिरो को 3 दिन में मार देती, बस अगर बारिश नहीं हो रही होती तो। ये टॉर्चरस ट्रेनिंग मेथड तांजिरो को ऑलमोस्ट वर्ज ऑफ डेथ में पहुंचा चुकी थी, बट ये सारी चीजें देन वर्थ इट थी क्योंकि एट द वर्ज ऑफ डेथ देन उसने अपने न्यू पावर को अनलॉक किया। फाइनली उसने अपने इस एबिलिटी को रियलाइज किया कि वो काफी अच्छी तरीके से सूंघ सकता है। इसको हम कहते हैं सूडो प्रिकॉग्निटिव परसेप्शन। इससे तांजिरो के उसके ओपोनेंट के नेक्स्ट मूव का पता चल जाता। देन उसने फाइनली पहली बार उस डॉल पे अटैक किया। वेल इवन दो उसके बॉडी का रिफ्लेक्सेस अभी भी इमैच्योर था, स्टिल ये न्यू एबिलिटी इतना पावरफुल था कि ये कंपैरेबल था टू ए हाशिरा। और फाइनली जब वो खा पी के वापस ट्रेनिंग कर रहा था, तब वो अपने इस न्यू एबिलिटी को यूज कर रहा था। देयरफॉर उसने द ट्रू सीक्रेट ऑफ दिस डॉल को डिस्कवर किया। जब तांजिरो ने बिना किसी हेजिटेशन के उस डॉल के ऊपर अटैक किया, तांजिरो का सॉर्ड वापस टूट गया था। लेकिन इस चीज के चलते तांजिरो को कुछ ऐसा मिला जिसने डीमन स्लेयर कोर की डेस्टिनी हमेशा के लिए चेंज कर दी। जैसे ही तांजिरो का सॉर्ड टूटा, वैसे ही ये डॉल भी देयरफॉर उसके अंदर के 300 साल पुराने कटाना को रिवील करते हुए। और जब फाइनली तांजिरो के सॉर्ड स्मिथ ने उसे शार्प किया, उसे ये पता चला कि ये सॉर्ड एक्चुअली काफी गुड क्वालिटी का है। देयरफॉर इस चीज को इम्प्लाई करते हुए कि इसका प्रीवियस ओनर एक ग्रेट सॉर्ड्समैन था। एंड आई डोंट थिंक कि मुझे इस चीज को एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि ये डॉल एक्चुअली जिससे इंस्पायर्ड हुई थी वो था योरुइची। तांजिरो ने इस चीज पे कमेंट किया था कि इवन तो दोनों का सॉर्ड ब्लैक था, लेकिन ये ब्लैक सॉर्ड एक्चुअली काफी डेप्थ था। ब्लैक सॉर्ड इन डीमन स्लेयर वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस सॉर्ड है इन डीमन स्लेयर। ये ब्लैक सॉर्ड रिप्रेजेंट करती है सन को। देयरफॉर इस चीज को फोरशैडो करते हुए कि तांजिरो शुरू से ही सन ब्रीदिंग का यूजर था, इवन दो उसने इस चीज को रियलाइज नहीं किया था। वेल द रीजन की ब्लैक सॉर्ड वाले डीमन स्लेयर कभी भी लंबा नहीं जी पाते थे वो इसलिए था क्योंकि मुजान और कोकोशिबो वो दोनों उस डीमन स्लेयर को असैसिनेट करते ड्यू टू देयर फियर। Therefore, that's the reason कि हमें ये कहा जाता है कि ब्लैक सॉर्ड वाले कम जीते हैं। Therefore, now तांजिरो के पास काफी अच्छा चांस है ड्यू टू द सॉर्ड और उसके डेस्टिनी की वजह से कि उसके पास इवन सन ब्रीदिंग है। योरुइची का सॉर्ड भी उससे बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। After all, वो अपने सॉर्ड को इतनी बार हीट कर चुका है कि वो हर बार लाल हो जाती। Therefore, it means कि उसने हर एक यूज के साथ अपने सॉर्ड को हीट किया है। तांजिरो ने जब भी सन ब्रीदिंग को प्रीवियसली यूज किया था उसका सॉर्ड हमेशा टूटा था, लेकिन अब जब योरुइची का सॉर्ड उसके हाथ में आ चुका है अब केस टोटली डिफरेंट है, मीनिंग कि अब वो सन ब्रीदिंग को टोटली यूज कर सकता है। नेवर्थलेस ये सॉर्ड एक्चुअली बिल्ट डिफरेंट था।
ये वो फर्स्ट ब्लेड है जो कि सन के पावर तक खुद पहुंची थी, देफो अपने कलर को क्रिम्सन में बदलते हुए। योरुइची ने हिस्ट्री में पहली बार ब्लैक सॉर्ड को एक क्रिम्सन में बदल दिया था। ये चीज हमें लिंक करती है उसके डीमन स्लेयर मार्क में जो कि उसे बर्थ से मिला था। ये मार्क नॉट ओनली लोगों के आर पार देखने में हेल्प करती है बट ऑल्सो उसका हार्ट रेट जो कि इवन 200 के अबव जाता है पर मिनट। For the normal human, ये kind of काफी dangerous हो सकता है। Therefore, by maintaining the mark, Demon Slayer is breathing को survive कर सकते हैं। That's it for the today's video and see you, Tata, goodbye.